नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। इसे हमारे चैनल को ग्रो होने में बहुत मदद मिलेगी। एक बार की बात है, एक पक्षी था जिसे गाना पसंद था और एक भेल थी जिसे बड़े नीले समुद्र में तैरना पसंद था। पक्षी और भेल दोस्त बन गए और अपने गर्मियों के दिनों को चंद्रमा, सितारों और समुद्र में जहाजों के बारे में बात करने में बिताया। पक्षी को बहुत अच्छा लगा जैसे भेल पानी में खूबसूरती से तैर रही थी और भेल को आकाश में उड़ते हुए पक्षी के सुंदर सफेद पंख बहुत पसंद थे। उन दोनों ने एक साथ ढेर सारी छोटी मछलियां खाने का आनंद लिया। जैसे जैसे मौसम गर्मी से शरद ऋतु और फिर सर्दी में बदला, समुद्र ठंडा हो गया और अन्य भेल गर्म पानी की ओर चली गयी। भेल ने पक्षी को अपने साथ गर्म स्थान पर चलने के लिए कहा जहाँ खाने के लिए बहुत सारी मछलियाँ थी। पक्षी, जो भेल से प्यार करता था, यह कहते हुए सहमत हो गया, मैं कहीं भी तुम्हारा पीछा करूंगा, लेकिन पहले मुझे भेल बनना सिखा। भेल पानी में डूब गई और पक्षी ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह पानी के अंदर सांस नहीं ले सका। कुछ कोशिशों के बाद उसे एहसास हुआ कि भेल बनना उसके बस की बात नहीं है। तो उन्होंने सुझाव दिया, मेरे साथ मेरे गर्म और आरामदायक चट्टान वाले घर पर आओ, हम हर सुबह सूर्योदय देख सकते हैं। भेल पक्षी के साथ रहना चाहती थी, सहमत हो गई। पक्षी ने भेल को अपने पंख पंखों की तरह फड़फड़ाना सिखाया, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की वह उड़ नहीं सकी। यह महसूस करते हुए कि वे वह नहीं बन सकते जो दूसरे थे, उन्होंने दुखी होकर अलविदा कह दिया। भले ही वे एक साथ नहीं रह सके, पक्षी और भेल एक दूसरे को कभी नहीं भूले। भेल जब भी किसी पक्षी को ऊंची उड़ान भरती देखती तो उसे अपने पक्षी मित्र का ख्याल आता, और जब भी पक्षी किसी भेल को समुद्र में गोता लगाते हुए देखता तो उसे अपने भेल मित्र का ख्याल आता। उन्हें आशा थी कि दूसरा व्यक्ति वह काम करके खुश होगा जो उन्हें पसंद है, आकाश में ऊंचा उड़ना या गहरे समुद्र की लहरों में तैरना। और इसलिए पक्षी और भेल ने अपनी यादों और आपस में साझा किए गए प्यार को संजो कर रखा, भले ही वे अलग अलग रहते थे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक व सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप आगे किस प्रकार की वीडियो देखना पसंद करेंगे।